सजेशंस क्या हो सकते हैं, जैसे कि मेरी एक फ्रेंड ने बताया था कि टाइम पे पुलिस नहीं पहुंच पाती, टाइम पे एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, उनका जस्ट मेन कॉजेस है कि हमारी ट्रैफिक बहुत रहता है। तो जैसे कि फॉरेन कंट्री में होता है, इज इट पॉसिबल कि हमारे यहाँ भी ऐसा हो जाए? सजेशन है मेरी तरफ से कि वहाँ पर उनके लिए एम्बुलेंस या फिर पुलिस के लिए अलग से सेपरेट रोड होती है और नॉर्मल पब्लिक उसे यूज़ नहीं कर सकती, ताकि जो भी हमारे सामने ऐसा कोई इंसिडेंट आए तो ऐसी चीज डायरेक्टली पुलिस और एम्बुलेंस वहाँ पहुँच जाए। तो अगर ये हमारे स्मार्ट सिटी में आ जाए तो ईजिली आधी प्रॉब्लम तो ऐसे सॉल्यूशन हो जाएगी इसकी, वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड हो या फिर मरीज से रिलेटेड हो। और सर पॉलिथीन बैग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर ऐसा कोई कैंपेन हो जाए स्टार्ट, मैं खुद उसके मैंने खुद ये रियलाइज़ किया, अगर ये कैंपेन स्टार्ट हो जाए और मैं खुद उसे करने के लिए उतारू हूँ कि पॉलिथीन बैग तब ख़त्म हो सकते हैं, या तो पब्लिक के पास इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी में बैग्स हों जो कि कपड़े के बैग्स होते हैं, वहाँ पे जैसे कि अभी आपने कंपटीशन रखा है ऑनलाइन की जो इसमें फर्स्ट आएगा सेकंड आएगा इनको कैश प्राइज दिया जाएगा, ऐसे स्टूडेंट्स में रख दिया जाए कि जो जितना स्मार्ट बैग बना के लाएगा, जो जितना सुंदर बैग बना के लाएगा गर्ल्स के लिए उनके लिए कैश प्राइज, और उसके बाद जो बैग्स आएंगे वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, कुछ पैसों से, ताकि उनके पास वो बैग्स हो जाए, ताकि जब भी मार्केट आए वो बैग कैरी करके कम से कम पॉली बैग का यूज़ कर सकें। तो इफ़ इट पॉसिबल कि एक ऐसा कैंपेन हो जाए कि जिसमें अग्रवाल कॉलेज में हो जाए बेसिक से, क्योंकि मैं खुद अभी जैसे 10-15 बैग अच्छे से और फिर उनको हम सेल करें कम से कम प्राइस में, उनके पास पहुंच जाएगा और वो उसका भी यूज़ करेंगे। सो थैंक यू सो मच। मैं आपको अपने फरीदाबाद को देने के लिए कुछ उपाय बताना चाहता हूँ। पहले हमें विद्युत ऊर्जा से निर्भर नहीं रहना होगा, हमें जो सौर ऊर्जा होती है जो सूरज से मिलने वाली ऊर्जा होती है उसको ट्रांसफॉर्म करके अपने यूज में लाना होगा, और हमें अपने घर समाज और आस पड़ोस को भी साफ रखना होगा जिससे हमारा फरीदाबाद क्लीन और डेवलप कर सके, और पीपल सभी लोगों को वाटर और जो हमारा पानी है और जो बिजली है उसका कम से कम यूज़ करना चाहिए जिससे कि आगे और लोग उसका यूज़ कर सकें, और जिससे और द गवर्नमेंट वाई इंक्रीज लेवल वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दीज आर बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन, जो हमारी सरकार है उसको पानी और जो विद्युत है उसकी प्रॉपर पूरी आपूर्ति करनी चाहिए जिससे सभी उसका उपयोग कर सकें। एवरी पीपल ऑफ गवर्नमेंट कैन डज ट्री प्लांटेशन बिकॉज ट्री एंड these trees can make beautiful city. Government can also conscious about crime of city life. हमारे शहर में काफ़ी चोरियाँ होती हैं और बहुत से क्राइम होते हैं, हमें उनको कम से कम करना चाहिए, इसके इसकी सहायता से हम अपने फरीदाबाद को डेवलप कर सकते। नमस्ते सर, माय नेम इज ओम प्रकाश शर्मा फ्रॉम एनएसी मैथमेटिक्स। सर फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर सर जो बता के गए, पहली दो बातें सुरक्षा और सफाई। तो सफाई के लिए सर हमने बताया कि जगह जगह पर डस्टबिन होनी चाहिए, लेकिन सर इस सफाई में और इस सुरक्षा और हमारा जो ये पल्लव वेट है ये भी स्मार्ट होना चाहिए। इसमें सर हम अगर मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं बिल्कुल भी जगह नहीं होती, जैसे कि बाइक खड़ी करने के लिए कोई जगह नहीं होती, मार्केट में इतना सारा रश है कि अगर एक गाड़ी नहीं खड़ी कर दी तो बसों की लाइन लग जाती है पीछे तक। तो सर इसके लिए एक तो रोड तक चौड़ा कर नहीं सकते क्योंकि सर मार्केट में क्लियर कर भी सकते हैं, पर जो बीच में इसके लिए हमें पार्किंग बनानी चाहिए जैसे हम अपनी बाइक को ऐसे खड़ा कर लें आने जाने वाले। तो सर दूसरा जो हमारा सुरक्षा का आता है, सुरक्षा के लिए सर मैं ये कहूँगा कि रोड पर सीसीटीवी होनी चाहिए हर रोड पर, और गलियों में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और सर सुरक्षा का एक ये भी पहलू है, जैसे कि सर हमारे देश में क्या है कि रोड ऐसी है साइकिल के लिए कोई अलग से लाइन नहीं है, अभी कभी हम चाइना के लिए एक बार मैंने पेपर में पढ़ा था कि मोबाइल लेन भी अलग से बनाती है, जो मोबाइल पे बात करने वाले अलग से चलेंगे, सर हमारे यहाँ पर तो साइकिल के लिए भी है तो कह रहा हूँ वो अलग से बनानी चाहिए। और सर वैसे अगर स्मार्ट है तो स्मार्ट दिखना चाहिए उसके लिए, क्योंकि 24 आवर्स में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और सर वाईफाई सुविधा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है, मैं बीकॉम फाइनल की स्टूडेंट हूँ। जैसे मेरे सभी दोस्तों ने पीएम नेट के ऊपर बहुत ज़्यादा बोला है, तो उसी से पता लग जाता है कि स्मार्ट सिटी के लिए हमें सबसे पहले अपने देश को साफ दिखाना चाहिए। तो
जब इतने सारे लोग किसी बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए। जगह-जगह पे डस्टबिन तो रखे जाते हैं बट उनका यूज़ नहीं किया जाता, तो उसके ऊपर भी उनके ऊपर स्ट्रिक्ट फाइन लगाना चाहिए। आज हमारा इंडिया कहीं ना कहीं ऐसा हो गया कि जब तक उनको फाइन ना देना पड़े ना तब तक वो उस चीज़ के लिए थोड़ा ध्यान ही नहीं रखते, ऐसे ही चलते रहते हैं वो चीज़। जब उन्हें पता है कि इस चीज़ के लिए फ़ाइन लगेगा तो वो पहले से ही थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखेंगे और कहीं ना कहीं इससे हमारी जो स्थिति है वो साफ भी ज़्यादा रहेगी। रूल्स रेगुलेशन जो है वो हमें बढ़ा देने चाहिए जिससे लोगों के मन में थोड़ा डर रहे और वो अपने आप ही अपने देश को साफ करने की कोशिश करें। मेरा नाम वैशाली चौधरी है, मैं बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। मेरा जो मुद्दा है वो है गर्ल सेफ्टी, मैं उसके ऊपर सजेशंस देना चाहती हूँ कि हम कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, जब तक हम कॉलेजेस और स्कूल में हैं जब तक हम सेफ हैं। हमें पता है क्योंकि हमारे कॉलेज में कैमराज लगे हुए हैं जो हर वक्त चल रहे हैं, वहाँ पर हम सेफ हैं, पर जब हम पब्लिक प्लेस में निकलते हैं तो हम सेफ नहीं हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पब्लिक प्लेसेस पे ऐसे सीसीटीवी कैमराज लगाए जाए जो दिखे ना, ताकि उनके तोड़फोड़ ना हो और डर भी रहे कि हाँ यहाँ पे कैमरा है तो हमें गलत नहीं करना है। इससे गर्ल्स की सेफ्टी होती है क्योंकि कुछ गर्ल्स इवनिंग में जैसे ऑफिस से आ रहे हैं या अपना कोई भी काम करके आ रहे हैं तो इवनिंग में गर्ल्स बिल्कुल सेफ नहीं होते। इवनिंग में या कभी नहीं होते वैसे तो, बट इवनिंग में इसमें ज़्यादा मतलब थोड़ी सेफ्टी ज़्यादा बढ़ जाती है गर्ल्स की। तो इसलिए सीसीटीवी कैमरा लगाने चाहिए पब्लिक प्लेसेस पे ताकि गर्ल्स की सेफ्टी हो और पेरेंट्स भी उनकी इतनी चिंता ना करें जितनी वो इस टाइम पे करते हैं। और दूसरा सजेशन कि हमारी जो मेन मार्केट्स हैं उनके अंदर जब हम जाते हैं तो इतना क्राउड होता है कि हम आगे चीज़ें लिए बिना ही वापस आ जाते हैं। तो एक अलग से पार्किंग एरिया होना चाहिए मेन मार्केट्स के बाहर कि हम अपनी व्हीकल्स को वहाँ पे पार्क करें, फिर हम मार्केट के अंदर जाके आराम से अपनी शॉपिंग करके आ सकें। थैंक यू सो मच। जैसे दीदी ने बताया कि सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, ऐसे हम जो सीसीटीवी कैमरा लगाए तो लोगों की सेफ्टी रहेगी गर्ल्स की, और अगर कोई क्राइम करेगा वो क्रिमिनल उससे बच जाता है, अगर उसको मतलब कोई क्राइम करता है तो उससे हमें पता चल किसने ये क्राइम किया है। और दूसरा हमारी जो मेन मार्केट है यहाँ पर सुबह सुबह जाओ इतना ज़्यादा थोड़ा रहता है, तो हम लोगों को दुकानदारों से पेनल्टी लगानी चाहिए कि इतना थोड़ा बात ना करें, बहुत ज़्यादा क्यों रहता है। और पानी की सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, और वाटर की और पानी की और बिजली की, आपको गर्मियों में बिजली की सप्लाई बहुत ज़्यादा रहती है तो उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सी पॉलिसी बनाई है तो क्लीननेस किसी को डर से नहीं कि डर है सीसीटीवी कैसे लग रहे हैं या फिर कोई तुम्हें कुछ कहेगा, इसलिए क्लीननेस हो अपनी खुद की रीति और अपना खुद का कर्तव्य समझकर हमें क्लीननेस रखनी चाहिए, तभी हमारा सेफ सिटी या सेफ कंट्री बन सकता है। थैंक यू। प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, वैसे तो बच्चों ने बहुत सारे सजेशन दिए, आपने देखे हमारे बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, कॉलेज के स्मार्ट प्रिंसिपल के स्मार्ट बच्चे। सजेशंस तो ऑलमोस्ट आ ही गए, एक सजेशन छोटा सा जो मैं सोचती हूँ कि आपने अभी जो यहाँ प्रेजेंटेशन भी दी है उसमें रह गया। बीइंग प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि फरीदाबाद की जो सैलरी है या इनकम है वो इंक्रीज हो, उसका एक कि हमारे पास कुछ छोटे छोटे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जैसे सूरज कुंड है, बर्टल लेक है, इसके अलावा नहर सिंह, ये राजा नहर सिंह बल्लभगढ़ में है, ये इस तरह के छोटे छोटे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। अगर हम उन्हें थोड़ा उनकी रिनोवेशन हो जाए और उस पर थोड़ा सा ध्यान दें तो जो फॉरनर्स हैं, टूरिस्ट हैं, उन्हें हम अट्रैक्ट कर सकते हैं और हमारी जो फरीदाबाद की इनकम है वो इंक्रीज कर सकते हैं। ये बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वाईफाई, वो स्मार्टनेस
ठीक है, लेकिन सबसे पहली जो स्मार्टनेस है, हमें पानी का जो अपव्यय हम चारों तरफ देखते हैं वो नहीं होना चाहिए। उस पर भी अगर फाइन की व्यवस्था हो, क्योंकि लोग सहजता से मानते नहीं हैं, हम बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं अपने एरिया में हर जगह जाते अगर, लेकिन बिना फाइन के मुझे ऐसा लगता है कि हो नहीं पाएगा। कुछ समय के लिए तो हमें फाइन लगाना होगा, गार्डन होने पर, आंगन होने पर, शायद उस पर अगर हम फाइन करें तो पानी की बचत हो सकती है। और दूसरा जो हमारी सोलर लाइट्स हैं, अगर हम उसकी व्यवस्था करें तो ऊर्जा की भी बचत हो सकती है। मेरे दोस्त साहब, धन्यवाद। और अब मैं कॉलेज से बड़ी I would like to speak both in Hindi and English. Maximum, our students like a full picture of an emerging Faridabad, a smart city Faridabad, give up here, aap logon ke samne, as a feedback or a suggestion. दो तीन मिनट में चार मिनट में मैक्सिमम अपनी बातें खत्म करूंगा, क्योंकि लगभग मुझे लगता है सुझाव जो मैक्सिमम दो बातें आई हैं, द फर्स्ट इज सैनिटेशन एंड द सेकेंड इज वीमेन सिक्योरिटी। दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेशन आवर स्टूडेंट्स हैव गिवन। That some suggestions come from the faculty, like developing the places of tourist interest and regarding energy saving. देखिए, मैं जो बातें कर रहा हूँ थोड़ी सी हो सकता है out of the place आप लोगों को महसूस हो, particularly to the expert people here. हमारे जो honorable Prime Minister and मोदी जी, उन्होंने एक बार एक बात कही थी, good governance पर बड़ा काफी जोर रहा है अपने Prime Minister साहब का। उन्होंने कहा गुड गवर्नेंस इज पुटिंग पीपल एट द सेंटर ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो भी विकास के कार्य हम इस देश में कर रहे हैं, लोकल लेवल पर, राज्य स्तर पर, देश के लेवल पर, उसमें जनभागीदारी होना जरूरी है। अब आप देखिए, हमारे यहां मोटे तौर पर तीन स्तर हैं, देयर आर थ्री टीयर्स, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स लाइक आवर कॉर्पोरेटर्स, then state government, MLAs and ministry, cabinet and CM, and then there is bureaucracy. Now tell me, where are the people who are experts in a particular field, who know things and who can give recommendations and feedback? Nowhere. You go through any planning commission document, you go through any even government documents, they will tell you one thing: weakness in implementation of policies. Policies are good, political class is doing its work, government is doing its work, but when it comes to the implementation level, there are so many bottlenecks, loopholes, corruptions everywhere, and the whole thing goes on as ever. Aapki safai nahi ho rahi hai. Mere ghar ke piche bhi, मेरे बिल्कुल पड़ोस में एक आईएएस अफसर रहती है, पहले यहाँ जज कमिश्नर भी रह गई है, जब वो निकलती है अपने घर से इतना कूड़ा पड़ा होता है, चारों तरफ सड़ रहा होता है, सड़हान होती है चारों तरफ पॉलिथीन फैल रहा होता है, सुअर घूमते रहते हैं, नथिंग हैपेंस। नगर निगम के अधिकारी बैठे हैं, माफ करना, कभी इस बात को ढंग से नहीं प्लान किया गया कि यह सब क्यों होता है। अरे भाई, और कुछ नहीं तो एक बड़ा सा डब्बा जिसको हम डस्टबिन कहते हैं, आप वो रखवा सकते हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए 20 डस्टबिन पर आप एक अपना कर्मचारी छोड़ दीजिए, 50 डस्टबिन पर एक कर्मचारी छोड़ दीजिए जो उनको मॉनिटर करे कि लोग उसमें डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। ये सब अगर हम नहीं कर सकते हैं, जो कि नहीं हुआ है अभी तक, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पीपल पार्टिसिपेशन की बात की है, पुटिंग पीपल एट द सेंटर ऑफ गवर्नमेंटल एक्टिविटीज, विच इज मोर रेस्पॉन्सिबल देन द ब्यूरोक्रेसी, माफ करना, एंड मोर रेस्पॉन्सिबल देन द पॉलिटिकल क्लास इन दिस कंट्री। व्हाई डोंट यू फॉर्म expert groups of people for giving you suggestions, for giving you response feedbacks? So my first suggestion is that please, at the city level itself, since you are talking of the smart city, at the city level, form expert groups in every field, say in health, say in sanitation, say in education, say in information technology, in every field, say in infrastructure, form expert groups, expert panels. They will give you recommendations first job, and then they will give you feedback after the implementation, whether the implementation has been up to the expectations or not, whether the funding which we have got, we are talking of the funding. One expert said here, the street tube light on which we will invest 1000 rupees
rupees under PPP, it will be done, say within 400 or 500 rupees. This is a straightforward confession. This is a straightforward acceptance of the weaknesses of the system. Maaf karna sir, shayad aap bol rahe the. We should confess that. There are weaknesses in the system. There is corruption in the system. Am I boring you? No, sir. Okay. Maaf karna. थोड़ा सा बोलना लग गया मुझे, थोड़ा मुझे बर्दाश्त करना. तो मेरा पहला सुझाव ये है कि आप अपने जो टॉप लेवल पर, आई होप द मैनेजमेंट ऑफ दिस इज एन ऑटोनॉमस थिंग. यू डोंट हैव टू सीक द परमिशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर फॉर दिस, और इवन यू डोंट हैव टू सीक द परमिशन ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द डिप्टी कमिश्नर इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, द निकम अथॉरिटीज आर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज टू मेक सच फॉर्म सच ग्रुप्स. So this is my first suggestion, so that